सर इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री का पद भी है आपके पास। अब की बार इंटेक और मजदूर यूनियन का रुख किस तरफ है? सर्वप्रथम तो मैं मयूर जी आपका आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत भी करता हूँ और उदयपुर शहरवासियों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और इंटक एक दूसरे के पहलू है। कांग्रेस ने ही इंटक की स्थापना की और इंटक हमेशा कांग्रेस के लिए हरावल दस्ते के रूप में चुनाव में काम करता आया है और इसलिए आज हमारी इंटक की संगठन जो उदयपुर में चाहे वो महिला इंटक हो, यूथ इंटक हो, इंटक सेवा दल हो, जिला इंटक हो, इसके साथ हिंदुस्तान जिंक फेडरेशन हो, RSMM की यूनियन हो, RSCB की यूनियन हो, जलदाय यूनियन हो, रोडवेज इंटक हो, असंगठित इंटक हो और इस तरीके से सारी यूनियनें मिलकर हम एक प्रतिभाशाली, एक शिक्षित और एक बुद्धिजीवी जो पहली बार डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली जी के गिरिजा जी व्यास के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन चयन करके प्रत्याशी हमारे बीच में भेजा है तो हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस बार हम विधानसभा में प्रतिनिधित्व कराकर मजदूर वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मौका देना चाहते हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंटक की तरफ से पूर्ण समर्थन हमारे कांग्रेस के युवा प्रतिभाशाली प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी को हम दे रहे हैं। अभी परसों कल ही हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग इंटक के बैनर तले ऑर्गेनाइज की जिसमें हमारे राष्ट्रीय इंटक के उपाध्यक्ष RC खूंटिया जी मुख्य अतिथि थे, युवा इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा जी दिल्ली से आए थे और हमारी जो संभाग की सह प्रभारी डॉक्टर जाहिदा सबनम जी भी उसमें शिरकत की थी और कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी और विवेक कटारा जी भी उसमें उपस्थित हुए और उसमें करीबन 1,500 श्रमिक प्रतिनिधियों ने शपथ ली है कि अब तक जब तक वोट लास्ट कास्ट नहीं करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम एक कार्यकर्ता की बजाय हम अब फौजी बन जाएंगे, सैनिक बन जाएंगे और बूथ को बॉर्डर समझ के हुए, जैसे फौजी एक एक वोट के लिए, फौजी एक एक इंच जमीन के लिए जद्दोजहद करता है अपने देश के लिए, वैसे ही हमारा इंटर का कार्यकर्ता सैनिक के रूप में एक एक वोट के लिए जद्दोजहद करेगा। जी, क्या लगता है इस बार जो 20 सालों का अभेद किला है, इसे भेद पाने में गौरव वल्लभ जी वो सक्षम में रखते हैं? ये तो कहने का अतिशयोक्ति नहीं है। गौरव वल्लभ जी एक नेशनल फिगर है, कांग्रेस के पटल पर जब वो नाम आता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने से उस व्यक्ति की शख्सियत की पहचान है और जब वो इतना पढ़ा लिखा और 5 करोड़ की नौकरी का पैकेज ठुकरा कर उदयपुर सेवा का क्षेत्र चुनकर हमारे बीच में आए तो उदयपुर के तो कायाकल्प होगी। आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों से हमारे जिले को ये एक सेफ्टी सीवरेज टैंक के रूप में बन गया है और हमारी आयर नदी एक सेफ्टी और ये सीवरेज का नाला बन चुका है और जो एक बेस कीमती खूबसूरती खजाना कुदरत ने हमें सौंपा है और हमारे महाराणा और मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको धरोहर को सींच कर इतना खूबसूरती दी, दुनिया में लोग इसको देखने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि हम 20 साल से हमारे एक ही पार्टी का विधायक होना, सांसद होना, नगर निगम का होना, वो ऐसा ग्रहण लगा है तो ये उम्मीद की किरण गौरव वल्लभ जी लेके आए कि ग्रहण हटेगा और उदयपुर वापस निखर कर वो पुरानी प्रतिभा और पुराने सम्मान को प्राप्त करेगा। ठीक, धन्यवाद।